नहीं करे, आएगा कि नो दरे रह जाएगा, लाश आएगा कि जिंदा आएगा। हमनी के जब फायदा हो के चाहे घाटी हो के, खाली राम मंदिर बन गई बा उतने हमनी के फायदा बा। उकरी में हजारू बताओ सारी समझो तो कौन बताओ, मेरा साथ टूट गए बड़ी मोदी जी के नाम पर। हां कहां किसी का छीना गया, कहां किसी को समझ में आ जाए, आ जाएगा कि कौन कितना है पानी में। अच्छा कौन कितना है पानी में। हम आए हैं गोराकोठी बाजार में, चर्चा करते हैं इलेक्शन के बारे में, क्या स्थिति है कैसे, जिसे मोदी जी का नारा है 400 पार जी, ठीक, और विपक्ष को कहना है कि नहीं वो तो 140 में सिमट कर रह जाएंगे, ये वो तो कुछ विकास भी नहीं किए हैं। अच्छा कहने से किसी का तो ठीक है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि यही कि जो जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट दिया जाएगा, ये तो अपना मतदान है। अरे निश्चित से इसको आगे महें तरक्की करने के लिए, जो तरक्की करेगा उसी को वोट दिया जाएगा। और मान लीजिए कौन अच्छा काम कर रहा है कौन खराब काम कर रहा है, ये तो जनता फैसला करती है। हमारे तरफ से तो बीजेपी काम कर रहा है। आपका तरफ से बीजेपी, बीजेपी में क्या क्या चीज आपको ऐसा लगा जी? आप सुविधा लगा, जैसे गैस मिल गया हमको, कुछ मोदी जी का पैसा भी मिलता है 500 रुपया हमको, कुछ आगे महें लेटरिन का नहीं मिला है मगर मिल जाएगा। अच्छा मतलब आपको अविश्वास, मतलब पैसा भी मिला आपको, गैस भी मिला, ठीक है आपको, मतलब चावल भी मिलता है, चावल भी फ्री मिलता है हमको 5 किलो, ठीक है। सर आपका नाम? हम लोग ठीक है मोदी का वोट दे रहे हैं। यानी आपका नाम क्या है? पप्पू। पप्पू जी, पप्पू जी हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपको 400 से बेसी पार हुई मोदी जी के, 400 से बेसी पार हुई, पार हुई। मगर विपक्ष वाले तो विपक्ष के हुक्के तो कोनो बात नहीं, विपक्ष वाले बोलते हैं जी आप 140 पर मोदी जी का रह जाए। और ना हम 140 का 400 से बेसी पार हुई, 400 से बेसी पार पार हो जाए। आप 10 बार टेलर देखो, फिल्म देखो। विपक्ष वाला ये भी सवाल उठा रहा बा, जे मोदी जी तो कोनो काम नहीं करके पूरा देश बेच दले। अच्छा तो मैं कुली में हजारू बताओ सारी समझ तो कौन बताओ, मेरा साफ टूट गए बड़ी सर मोदी जी के नाम पर। हाँ विपक्ष वाला तो ये कह रहा बा कि गैस झूठ मुठ के, शौचालय झूठ मुठ के, ठीक बा, सब लोग पूरा देश बेचा रहा बा कि मोदी जी 14 अंक पर लोग भारत अपन 4 अंक पर आई, 3 अंक पर आ गए। अब का चाहिए मोदी जी, कितना का करो? मोदी जी काफी विकास के लिए रुआ हम जैसा बुझाते बांध देते पता नहीं, मतलब आपको कहना है कि मोदी जी ने काफी विकास किया, ठीक है, मगर कुछ विकास के बारे में भी हमको बताइए। हमने रोड देखी है, चलो हम का बिहार का रोड था कि उस न जाते तो घर से आने का मतलब नहीं करते, आएगा कि नो डरे रह जाएगा, लाश आएगा कि जिंदा आएगा। अब मोदी देखिए 10 वर्ष में कितना बनवा दिए जी। आपका मतलब आपका कहना है कि मोदी जी की देन है जो बिहार के अंदर में रोड बन गया, और क्या क्या बना? बहुत सामान बना है, बिहार में जाकर देखिए ना कितना भारत में बना है। राम मंदिर को जाकर देखिए, 5 लाख का बीमा कर दिए, कोई भी दुखिया गरीब भी जाएगा हॉस्पिटल में उसका काज सफल होगा, और क्या चाहिए इसे। अयोध्या में राम मंदिर बनवा दिए, उज्जैन में देखिए। विपक्ष वाले तो कहते हैं कि राम मंदिर को क्या जरूरत था, वहाँ तो हॉस्पिटल बनना चाहिए। कोई देखिए जिसके अंदर कोई अगर 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 किसी के अंदर राम नहीं है वो व्यर्थ है, मुंह वो जीवन ही बेकार है। जिसके अंदर राम है वो सब कुछ है, जिसके अंदर में राम प्रवेश कर गए हैं वो सब कुछ मोदी जी को पूजेगा। आज तो मोदी जी को हम लोग भगवान की तरफ पूछते हैं। अच्छा मोदी जी मतलब आप लोग भगवान की तरफ पूछते हैं, मतलब विपक्ष वाला बोलते हैं कि मोदी तो मतलब बाजी करते हैं, ये करते हैं, इसमें आप क्या कहिए? हम लोग यहाँ पहले बहुत छिनताई हो रहा था, अब कहाँ हो रहा है? कहाँ किसी का छीना गया, कहाँ किसी को गोली मार दिया गया है? आपको कहना है छिनताई बंद हो गया, जो चोरी चमारी सब बंद हो गया मोदी जी की सरकार में, बंद हो गया। इसके बारे में आप, आपका नाम? मेरा नाम परमेश्वर शर्मा है। परमेश्वर शर्मा जी हमारा आपका हमारे चैनल में आपका स्वागत है, तो इसमें आपका, हम लोग तो चाहते हैं कि मोदी सरकार अभी रहे 5 साल और, ताकि विकास हम लोग देख रहे हैं मोदी जी का। आपको कहना है कि मोदी सरकार और है, मगर विपक्ष वाले तो एकजुट हो चुके हैं, तो विपक्ष से हम लोग क्या देना है, अपने मत अपने लिए सोचना है। और क्योंकि 10-12-17-18 लोग एक साथ में बोलते हैं कि मोदी जी तो गए, वो दूसरे से हमको मतलब नहीं आता है, अपने आप से हम लोग का मतलब है, हम जो चाहते हैं वही होना चाहिए। अच्छा मतलब दूसरे से मतलब नहीं, आपके आपसे मतलब आपको है जो मोदी जी, मोदी जी बने। ये भाई साहब से पूछते हैं आपका नाम? हमारा नाम द्वारिका महतो। द्वारिका महतो जी हमारा आपका हमारा चैनल में आपका स्वागत है, तो आपको मोदी जी से क्या लाभ मिला? हमको हम लोग का देश में तो बहुत लाभ मिला, लड़का बच्चा से लेके अब से हम तो साइकिल पैसा किताब कपड़ा पढ़ाई लिखाई या राशन भी फ्री दे रहे हैं, तभी से क्या चाहिए हम लोग का। मोदी जी से आपको बहुत लाभ मिला? हाँ, बहुत मतलब विपक्ष वाले तो कहते हैं जो मोदी जी कुछ भी नहीं किए। वाह तो जरूर कहेंगे, खिलाएंगे नहीं कि मोदी जी कुछ नहीं किए, मगर ये जनता सब बता रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं और करते हैं। मोदी जी मतलब काफी विकास किए हैं, और जो 400 पार का नारा है वो हकीकत में बदल जाएगा। यहाँ बहुत बहुत बढ़िया काम किए हैं, रोड से लेकर बिजली सब गैस सब काम किए हैं मोदी जी। यहाँ काफी काम किए, बहुत काम किए हैं।
रोड से लेकर बिजली तक, बिजली हर एक चीज हम लोग का अनाज मिल रहा है, अनाज मिल रहा है, प्रधानमंत्री गैस मिल रहा है, गैस मिल रहा है, आदमी को मतलब ऐसे भी कहते हैं कि अनाज दे के हम लोग को बंदी बना रहे हैं मोदी जी, अनाज दे रहे हैं आपको भी अनाज, मोदी जी तो सबको मिलता है जी, मतलब मोदी जी काफी विकास किया, खूब विकास किया, आगे भी विकास करेंगे, विकास करेंगे, जो 400 पार का नारा है अब की बार 400 के पार हकीकत हो जाएगा, हकीकत हो जाएगा, जो मोदी सरकार वाले बोलते हैं जिन्हें विपक्ष वाले को बोलने दीजिए निकल जाएंगे, ये है वो है मोदी सरकार, मतलब मोदी सरकार और 5 साल रहा है, मोदी सरकार 5 साल। माता जी आपका कहाँ घर है? मराठी। तो कौन है कि मोदी जी से क्या का फायदा मिला है? हमने के देखी फायदा कौन जगरा के सरकार बनावल जाए को मोदी के, मोदी के अच्छा तो मोदी से कुछ फायदा मिलल बा? हमने के तो फायदा होखे चाहे घाटी होखे खाली राम मंदिर बन गई बा उतने हमने के फायदा बा, थोड़ा ऊंचा बोल, राम मंदिर बन गेल उतने फायदा में बा, और कुछ भी जो विपक्ष वाले हैं वो तो मतलब कहते हैं कि राम मंदिर को क्या जरूरत था, वहाँ तो हॉस्पिटल होना चाहिए, तो इसमें आपका कही माने हम अपन सोचे अपन सोची बोली अच्छा रहो अपन सोचे हम अपन सोची, हाँ मियाँ लोग बात अपन सोची हमने के तो अपन सोचे अच्छा जी अच्छा तो दिकासी दिकासी जो मोदी जी को बोलते हैं 400 के पार का नारा क्या वो सच हो जाएगा? सही है वो, सही लकीर निकलेगा पार हो जाएगा, हो जाएगा एकदम हो जाएगा, जो विपक्ष वाले बोलते हैं जी नहीं 140 में सिमट जाएंगे, अरे उनको बोलना दीजिए, बोलने वाला कौन रोकेगा, आपकी बात 4 तारीख को ही समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा, अब की बार 4 तारीख को आपको कहना है, अब की बार 4 तारीख को ही समझ में आ जाएगा कि कौन कितना है पानी में, अच्छा कौन कितना है पानी में, अच्छा 4 तारीख को पता चल जाएगा, 4 तारीख को मतलब अभी पता चल जाएगा कौन कितना है पानी में, ठीक है।